ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। पीर पैगंबरों ऋषि मुनियों की यह धरती है। भगवान ने जिस धरती को अपने अवतार के लिए चुना, उसी धरती पर हम सबका भी जन्म है। ये उसकी कृपा है, उसकी दया है, उसकी मेहर है। यह जन्म धारण करके मानव को सजग रहना होगा। जो महापुरुषों ने, सदग्रंथों ने, वेद पुराण, ये हमारे जो सदग्रंथ हैं, हमें मार्ग देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इन्हीं का अध्ययन किया इन सभी महापुरुषों ने, इसको जाना, इसके तत्व को समझा और अपने अनुभव में जो वर्णन किया गया वह उन्होंने अपने अनुभव में लेकर आए, तप से, साधना से, तपस्या से, नाम जाप, नाम ध्यान या मूल मंत्र सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं ने दिया। तो आज विश्व कार्तिक पूर्णिमा वह समय 1469 दीपावली के 15 दिन के पश्चात मेहता कालू राम जी, माता तृप्ता देवी, स्थान तलवंडी गांव जो आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, यह महापुरुष बेदी वंश में क्षत्रिय कुल में अवतरित हुए। ये महान क्रांतिकारी, धार्मिक, कवि, दार्शनिक, विलक्षण बुद्धि, इन्होंने जो अवतार धारण किया संसार में अज्ञानता को दूर करने के लिए और सत की स्थापना के वास्ते, वह दिव्य शक्ति देव द्वार से बाबा नानक के रूप में हम सबके बीच में आए, तो हम सब नमन करते हैं। तो आज यह सभा समर्पित है प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के श्री चरणों में। हे गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, हे देव आदि देव, आप स्वयं विराजमान हैं अपने इस दरबार में। आपकी आज्ञा से हम उस महापुरुष को नमन करते हैं। गुरुवाणी की रीति है, गुरुद्वारा की रीति है, हम सब उसका पालन करेंगे। जो नियम है सभी अपने सिरों को ढक लेंगे, अपने सिर को ढक लेंगे, क्योंकि शब्द कीर्तन है, तत्पश्चात जपजी साहब में भी पाठ होगा और श्री गुरु ग्रंथ साहब में क्या ज्ञान दिया गया है इसको भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो रीति है गुरुद्वारा की, वाणी की, कि सिर ढक करके इसका पाठ किया जावे, शब्द कीर्तन किया जावे, तो हम सब इसका पालन करेंगे सिर ढक करके। शुचिता जी।